सो गाइस मीट अंबिका। तो चलो गाइस फिर बेस्ट ऑफ जर्नी। नमस्कार नमस्कार। कम यार मनाली यार एक ऐसी जगह है ना जहाँ मन के साथ साथ दिल भी लग जाता है। हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज हो गए हैं 24 तारीख 24 अप्रैल और दिन बहुत सुहावना है। आज है संडे तो प्लान तो आज बहुत बन रहे थे बट अचानक से थोड़ा कल बहुत घूम लिए थे थकान भी लगी थी तो आराम से उठे आज है ना 8 बजे तक। तो अभी मैं जा रहा हूँ हेयर कट लेने के लिए बिकॉज उतने दिन से घूम रहा हूँ ना। लास्ट वीक से कारवां चल रहा है हमारा तो थोड़ा सा ग्रूमिंग कर लेते हैं। तो गाइस थोड़ा सा घूमने के बाद यहाँ पे जो ये पुल है ना ओल्ड मनाली वाला लोहे का ये थोड़ा सा चल के मनु हेयर कट है ग्रीस कैफे के नीचे। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं कटा लूँ पास में भी है और 100 रुपये ले रहे हैं ठीक ही है। चलो देखते हैं आज मनाली का हेयर कट। गाइस अभी हम आ गए हिडम्बा ढाबा जहाँ हमने उस दिन डिनर किया था। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हम यहाँ करने वाले साथ में और लोग भी हैं। तो भाई लोग आप कहाँ से? मैं पुणे से। पुणे तो ये हॉस्टल में साथ में ही हम लोग सारे। तो ये लोग आज कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए मैं तो रेस्ट में हूँ आज। संडे आज सब तरफ बहुत गर्मी होती है मनाली में आओ तो वीकडे में घूमने आओ। हाँ सही बोल रहे नहीं तो इतना कचरा रहेगा इतना भसड़ रहेगी तो सब भसड़ रहेगी। अगर शांति चाहते हो तो वीकडे में घूमो। करेक्ट करेक्ट। तो चलो कुछ खा लेते हैं फिर ऑर्डर। चलो गाइस फिर बेस्ट ऑफ जर्नी ऑल द बेस्ट मिलते हैं शाम को। सो गाइस 29th of April और ऑफिस का काम जल्दी निपटा के वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग मार्केट एंड ऑल। तो हमारे साथ हमारे हॉस्टल के भी दोस्त हैं अनुदीप हेलो एंड करण भाई और ये हमारे बड़े भाई हाय कर दो भाई। सो बेसिकली अभी हम जा रहे हैं मॉन्ग बेस वहाँ पे एक्चुअली अंबिका की बुक का लॉन्च है। तो आई होप हम लेट नहीं हुए हो। अभी जो लॉन्ग वीकेंड होने वाला है उसके लिए हमने पहले ही प्लान आउट कर लिया है। तो हम चारों लोग कल एक ट्रैक करने वाले हैं। तो एक ट्रैक उसके बाद फिर एक लंबा रोड ट्रिप होने वाला है जो करण और मैं जाएंगे। लेट्स सी कैसा होता है। अभी तक प्लान तो ये है वो कल और परसों पता लगेगा फाइनल क्या हुआ बट अभी तो हम जा रहे हैं यंग मॉन्ग इसके रस्ते में मनु टेम्पल पड़ता है। अगर आपने यहाँ की वीडियो नहीं देखी तो देख लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अर्ली मॉर्निंग आया था और यहाँ से जो सनराइज दिखता है एक नंबर भाई साहब मनाली का जो खुला हुआ व्यू दिखता है ना मज़ेदार है ना। तो चढ़ाई चढ़ाई है हम पैदल पैदल चलते रहो। थोड़ा सा और चलने के बाद मनु टेम्पल से मॉन्ग बेस आ जाता है। तो अभी ऊपर है इवेंट पूरी तैयारियाँ चल रही है माइक चेक 1 2 3 चल रहा है। लेट्स सी कितना मज़ेदार इवेंट होने वाला है। तो गाइस ये मॉन्ग बेस में यहाँ पे छत में हो रहा है इवेंट और इसके सामने ना व्यू बहुत तगड़ा है यार मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पे रहना वर्थ मुझे लग रहा है। हे शोन कम कम यार कम यार। सो गाइस फाइनली अंबिका आ गई है। सो गाइस मीट अंबिका। थोड़ा बताओ अपने बुक के बारे में। यार तो इस किताब का नाम है इन कॉन्वर्सेशन विद लाइट एंड डार्कनेस एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री एंड अ फ्यू शॉर्ट स्टोरीज और इसे मैंने बहुत दिल से लिखा है। दिस इज़ द बुक दैट आई मूव टू मनाली फॉर टू राइट इट एंड आई थिंक इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ आज के लिए। थैंक यू हिमांशु फॉर शोइंग अप टुडे। थैंक्स टू यू फॉर राइटिंग सच ग्रेट पीस ऑफ आर्ट। इन माय प्रोफाइल देयर इज अ लिंक इन माय बायो दैट विल टेक यू डायरेक्टली टू Amazon Flipkart। आई विल पुट इट इन डिस्क्रिप्शन। यस एब्सोल्युटली। सो या सो यू कैन प्री ऑर्डर इट एंड इट विल बी डिलीवर्ड। यस Hi everybody, I am Ambika.
I also go by the Instagram name Dastani Musafir. And today is my book launch. I couldn't have been happier. Thank you so much for whatever reason you've come here. First of all, thank you for being here. This means a lot to me. I think in the summer of 2016, I stepped down a bus and I instantly realized that if I ever build a home, I have to build a home here. Because going away and coming back wasn't just me anymore, and I wanted to just stay here. So what do you do once you decide to, move cities, quit jobs and stuff like that? So after 2 years, all that happened and I moved to Manali in November 2018. Soon after that, I realized that moving to the mountains is never actually a physical move. You also move to the mountains within, the mountains inside of you, the mountains that probably we try to run away from in the cities, trying to get busy. So when you move here, you also start climbing the mountains within. And that is how this book came to be about. And these are my 3 years here in Manali and all my midnight scribbles to those who have read some of it. It means a lot to me. And thank you for being here. So it's called In Conversation with Light and Darkness. And it is actually about that. It is based on the belief that we all have light and darkness inside of us. And how we come to be, we become balanced once we acknowledge and accept both. So when the light in me sat down with the darkness in me, and when the fairy tales in me sat down with the nightmares in me, that's when I believe that this book wrote itself. Why don't they teach us this in school? That language is not the only way to communicate. That words can be misunderstood even when spelled right. Thank you, everyone. It's actually like a birthday. हाँ, actually वैसे ही birthday for your book ना. हाँ, but ठंड इतनी है cake जम गया, so this is not looking as pretty as it should. अरे wrap तो कर दो. Oh yes, Panchum, go for the wrap. हैं wrap तो कराऊंगा, बातचीत पहले cake तो काट दे. पहले वो candle तो बुझा दो यार. Oh yes. Candle बुझानी नहीं होती है. So guys, finally, मैं भाई से मिल गया हूँ. नमस्कार 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 भाई, अपना नाम जनता. मेरा नाम अमित सक्सेना, डेस्टिनियम वर्ल्ड का पार्ट हूँ मैं. कैमरा इधर है, अमेजिंग है, अमेजिंग वीडियोस बनाते हैं एकदम. यूट्यूब चैनल भी तो आपने चालू किया. हाँ, डेस्टिनियम वर्ल्ड व्लॉग मेरा चैनल है. बिल्कुल बिल्कुल, जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और आज मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, वैसे मैं इंस्टाग्राम फर्स्ट टाइम मिल रहा है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि फर्स्ट टाइम मिल रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बात भी करते थे. एंड मैंने इनके व्लॉग्स भी देखे, काफी अच्छे हैं. हल्द्वानी से इनकी वीडियोस भी काफी अच्छी है, मतलब आपको जरूर एक बार चेक करना चाहिए, है ना. बाकी यार, सो मच यार, बिल्कुल यार. और बाकी इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ट्रिप में मुझे भी लेके चलेंगे साथ में. लेके चलूंगा यार, मैं कमिट कर रहा हूँ, मैं सबके सामने कमिट कर रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं मैं लेके चलूंगा, पक्का लेके चलेंगे. बाकी कहाँ जाना चाहोगे आप पहले? हाँ, आप लेके चलो, हम तो मुसाफिर है, जहाँ गाड़ी मिल जाए निकल जाते हैं. ठीक है, पक्का लेके चलेंगे. वेरी बेस्ट ऑफ लक यार, थैंक यू सो मच. और अच्छा लगा काफी आपसे मिलके. ओके भाई, ओके, बाय बाय. काफी अच्छा लगा, बुक काफी एक नंबर है, मैंने 2-4 पोएम्स पढ़ी हुई है, वैसे तो कैप्शन में पढ़ते रहता हूँ, बट बुक बहुत अच्छी है, आप जरूर एक बार देखना, है ना. और बाकी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. ओके बाय. सो गाइस, अभी अप्रॉक्स 9 बज गया है और वापस जा रहा हूँ हॉस्टल. तो कल अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं लामाडू के ट्रैक की, सो स्टे ट्यून्ड. आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग, लाइक कैसे जाना है, अकेले कैसे करना है, हम लोग भी अकेले करने वाले हैं. सो गाइस, अनुभिक भाई हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे, तो अभी हम उनको लेने वापस आए हैं. अनुप भाई, एक बात बताओ. जी, जाओ. छोटी बच्ची हो क्या? लग तो यही रहा है. दिस इज द लामाडू, ब्यूटीफुल.